क्या आप जानते हैं भारत डीआरडीओ बनने जा रही है, एक ऐसा हथियार जिसके सामने दुश्मनों का टिक पाना हो जाएगा मुश्किल। और क्या भारत अपने हथियारों से अपने वतन की रक्षा कर पाएगा। दरअसल बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की डीआरडीओ एक ऐसा धमाका करने जा रही है जिसे सूचना और समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। यह हथियार आज तक का बहुत ही ज्यादा पावरफुल हथियार होने वाला है। इस हथियार को इस तरह बनाया गया है, अगर कोई ड्रोन या फाइटर जेट इसके सामने आ गया फिर तो उसका काम तमाम हो जाएगा। अब तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि भारत सबसे पहले इस विनाशकारी हथियार को किस देश पर इस्तेमाल करेगा। इस बात का हाल भारत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो भी देश भारत के साथ कूटनीति या छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसे देश पर ही हम अपने इस हथियार का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल ही नहीं उनको तो तबाह बर्बाद कर देंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा दुनिया भर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है और कहने की बात नहीं है। एक्चुअली AI के लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है, अब इसका फायदा भारतीय सेना को मिलने जा रहा है। विश्वास मानिए यह जो हथियार भारत बनाने जा रहा है यह सारी वेपन इंडस्ट्रीज को ही चेंज कर देने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में हथियारों के मामले में एक एक नया ट्रेंड भी सेट कर देगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में, आगे समझेंगे तो पूरा जान जाएंगे। इसके लिए हमारी इस वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्या है इस पूरी डेवलपमेंट में लिए इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले भारत की डीआरडीओ ने आज जो कारनामा करके दिखाया है इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों भारत जिस प्रकार का एक नया हथियार तैयार कर रहा है यह एक टाइप का लेजर वेपन है, लेकिन नॉर्मल लेजर वेपन नहीं है जैसा कि अमेरिका ने या फिर भारत में या फिर चीन ने सभी देशों में तैयार कर लिया है। नहीं, यह एक बहुत खास प्रकार का लेजर हथियार है जो AI पर कार्य करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोगेंस पर कार्य करता है। दरअसल DRDO का मानना जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन में अगर इंटीग्रेटेड कर दिया जाए तो इसके हथियार की एक्यूरेसी है या नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। यानी कि अगर आप किसी हथियार को ऑपरेट कर रहे हैं इंसानी हाथों से तो जो टारगेट होता है उसके चुकाने के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, भले ही वह सैनिक कितना भी ज्यादा सक्षम क्यों ना हो। अगर वह किसी ड्रोन को उड़ा रहा है तो निशान चूक ही जाता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वह परफेक्ट होती है। अगर आपने कोई भी टास्क उसे दे दिया है तो उसे पूरा करके ही आती है, वह बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसे परफॉर्म कर सकती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण, यह एक टारगेट निशान है, इसे चुकाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस चीज का एडवांटेज ऑफ DRDO उठाने जा रही है लेजर वेपन के मामले में। दरअसल DRDO का मानना है लेजर वेपन नेक्स्ट जेनरेशन के वेपन होते हैं जो बहुत ही एडवांस तरीके से काम करते हैं। इसमें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप इंटीग्रेटेड करते हैं तो यह फॉर्मेट हथियार बन जाएगा जिसकी मदद से दुश्मन का कोई भी ड्रोन हो या कोई भी लड़ाकू विमान हो या मिसाइल उसे हाई प्रोसेशन के साथ मारकर गिरा दे सकता है। भले ही उसकी कितनी भी रफ्तार क्यों ना हो, वह कितना भी चालक क्यों ना हो, उसकी चाल या तकनीकी जो भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसका बचपान बहुत ही काम होता है, लेजर हथियार से संभव होगा। और खास बात यह है कि इस लेजर हथियार को हार्ड किलर के तौर पर बनाया जाता है, यानी कि लेजर हथियार को दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट किलर और एक हार्ड किलर। जो सॉफ्ट किलर होता है वह जो मिसाइल आ रही है या ड्रोन आ रही है उसकी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को किसी भी प्रकार से बदल देता है और उसे चेंज करके जला देता है। और जो हार्ड किलर होता है वह अंदर कुछ नहीं कर सकता, वह सीधा गोली या रैकेट की तरह टारगेट करता है और एक एनर्जी पल्स को छोड़ता है जिससे वही गोली तरह काम करता है और डिस्ट्रॉय करके उसे नष्ट कर देता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है जिससे और भी ज्यादा एडवांस बन सके और ना भी बन सका। दरअसल की लेजर हथियार दो प्रकार के होते हैं,
एक सॉफ्ट किलर और एक हार्ड किलर। जो सॉफ्ट किलर होता है उसका काम मिसाइल आ रही या ड्रोन आ रही है उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को किसी भी प्रकार से बदल देना उसका काम होता है, उसको नष्ट कर देना। और जो हार्ड किलर होता है, भले ही वह कितना भी ज्यादा सक्षम क्यों ना हो, ड्रोन उड़ रहा है या फाइटर जेट उड़ रहा है, उसे टारगेट पर ही डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसे ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। जय